नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के इस खास कार्यक्रम में। आईसीटी टूल के बारे में हम बातचीत करते हैं और आज जिस आईसीटी टूल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है इजीली। तो किस तरह से इन्फोग्राफिक्स को बनाया जाता है इजीली का उपयोग करके, इसी बारे में हम बातचीत करेंगे और अगले 45 मिनट तक हम आपके साथ हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, आइए मिलते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, स्वागत है आपका मैम। नमस्कार मैम। हैं अकेडमिक कोऑर्डिनेटर CIET NCERT से। और इजीली के बारे में अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं CIET.KishoreMunch@gmail.com पर। अगर आप चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। नंबर्स हैं 1800112199 और दूसरा नंबर है 1800111225। इसके अलावा आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर NCERT ऑफिशियल। उसके लाइव चैट बॉक्स में आप चाहें तो अपने प्रश्न लिख कर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट को बहुत खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देकर। आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं PME विद्या चैनल नंबर 1 से लेकर 9 तक और चैनल नंबर 11 और 12 पर भी। तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए क्योंकि हम ये बातचीत शुरू करते हैं। तो आइए पूछते हैं कि मैम, ये जो इजीली आईसीटी टूल है जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को आज बताने वाली हैं, वो आखिर है क्या और किस तरह से इन्फोग्राफिक्स जो हैं बनाए जाते हैं? ठीक, जैसा कि तन्वी ने बताया कि हम इन्फोग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे आज, और हमारे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को इससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो हमारे शिक्षक अभी तक बहुत ही समय से, स्पेशली लॉकडाउन के इस महामारी के समय में, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कई प्रकार की ई सामग्री ज़रूर बनाई होगी। अगर हम शुरुआत करें तो एक सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी उन्होंने शुरुआत की होगी। बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम के थ्रू वो अपनी कक्षा को, उसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अभी तक वो अप्लाई कर रहे होंगे। तो उसी के अंदर ही किस तरीके से हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग ई सामग्री बना सकते हैं, हमें इसमें इस सेशन में हम वही बताएंगे आपको। तो इन्फोग्राफिक्स एक प्रकार की ई सामग्री है, जैसे कि कोई भी दृश्य श्रव्य हम सामग्री बनाते हैं, कोई ऑडियो विजुअल एड बनाते हैं। अगर हम बात करें, शिक्षक अपनी नॉर्मल क्लासरूम में जब वो आमने सामने कक्षा कर लेते थे तब भी वो एक प्रकार का एक सामग्री बनाते थे, टीचिंग एड जिसे हम बोलते हैं, जो कि बहुत पारंपरिक टीचिंग एड है जिसका नाम चार्ट है, अगर आपने कभी सुना हो जी। तो हम ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड के अलावा एक चार्ट के इस्तेमाल से भी अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से, अपने जो विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत करते थे अपने छात्रों के सामने। पर अभी लॉकडाउन के समय में क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम एक पावर पॉइंट में जिसमें हम जो टेक्स्ट है, बहुत सारी जो अपनी जानकारी है वो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म के जरिए हम लोग लिख देते हैं। अगर हम उसमें कोई चित्र को डालते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा बच्चों को आकर्षित करता है। तो किस प्रकार अगर सिर्फ एक चित्र और टेक्स्ट को मिला के हम एक ऐसा ई सामग्री बनाएं जिसमें बच्चों को एक पूरी तरीके से जानकारी मिल पाए। और जैसा कि एक फ्रेज भी है कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, एक चित्र से ही आप बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं और बच्चे अच्छी तरह से उसे सीख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग उस इन्फोग्राफिक्स को बनाना सीखेंगे। तो इन्फोग्राफिक्स एक प्रकार का आप कह सकते हैं डिजिटल चार्ट है या एक माध्यम है जिसमें चित्र के अलावा कोई भी आंकड़े या डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, साथ में कुछ अगर टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब हम पहले बताएंगे कि क्या है इन्फोग्राफिक्स, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और किस तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद हम एक इन्फोग्राफिक टूल के, जिसमें ऑनलाइन टूल जिसका नाम है इजीली, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स आपको दिखाऊंगी और उसके बाद फिर हम दिखाएंगे कैसे वो बनाएं। और इसे बनाने के लिए कोई भी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही इसे बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाना चाहूंगी। जैसा कि पूछा आपसे कि इन्फोग्राफिक्स की ज़रूरत क्या है, आपके मन में सवाल होगा कि इन्फोग्राफिक्स की ज़रूरत क्या है। तो हमारे पास अगर अधिक से अधिक जानकारी है जिसे हम किताबी भाषा में ना बोलकर या लिखकर नहीं समझा पा रहे हैं तो उसे चित्र के माध्यम से हम समझा सकते हैं। तो इसकी पहली ज़रूरत है कि अगर हमारे पास अधिक जानकारी है और उसको हमें समाहित करना है किसी एक जगह, तो हम लोग उस जानकारी को एक जगह समाहित कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बच्चों की जो ध्यान अवधि होती है, जिसे हम अटेंशन स्पैन भी बोलते हैं, वो भी बहुत कम होता है।
तो अगर मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ तो वो बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट अगर मैं उसको अगेन चित्र के माध्यम से दिखाऊंगी तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा और इसी वजह से बच्चों की ध्यान अवधि भी बढ़ेगी। उसके बाद दृश्य की प्रस्तुतियाँ जो होती हैं उसको समझना बहुत ही आसान होता है, सरल होता है, इसी की वजह से हम इन्फोग्राफिक्स को यूज़ करेंगे। उसके अलावा इससे जैसे मैंने कहा अभी कि अधिक से अधिक जानकारी को कायम रख सकते हैं हम इसके द्वारा। अब अगर हम पूछे कि इन्फोग्राफिक्स क्या है या बताएं इन्फोग्राफिक्स क्या है, तो आपकी स्क्रीन पे आपको तीन तरह के चित्र दिख रहे होंगे या इसे आप पोस्टर बोल सकते हैं। अगर आप पहला वाला देखें तो आपको दिखेगा इसमें टाइटल लिखा हुआ, शीर्षक लिखा हुआ क्रिएटिव कॉमन्स। इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे कार्टून जैसे सिम्बल्स लगे आकृतियाँ हैं, साथ में कुछ कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अगर हम दूसरे इसकी तरफ देखें चित्र की तरफ, तो इसमें आपको पाईग्राफ देखेंगे। पाईग्राफ में अलग अलग नंबर्स की वैल्यू है, परसेंटेज दी हुई है, नीचे बार ग्राफ है, इसका मतलब इसमें किसी डेटा को दिखाया गया है। अगर हम तीसरा देखें पोस्टर या चित्र, उसमें भी किसी डेटा को या आंकड़े को रिप्रेजेंट किया हुआ, प्रस्तुत किया हुआ है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो मेल्स दिखाए गए हैं, एक इमेज दिखाई गई, एक चित्र है जिसमें से तीन गाढ़े नीले रंग के हैं, एक हल्के रंग का नीले रंग का। तो इससे क्या प्रदर्शन हो रहा है कि यह चार में से तीन लोग, इसका जो रिसर्च है या जो भी इसका डेटा है, चार में से तीन लोग जो होते हैं वो ओबेस होते हैं, ओवरवेट होते हैं। तो ये एक तरह के रिसर्च का डेटा है, शोध का आंकड़े हैं, जिसको एक इन्फोग्राफिक्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इन्फोग्राफिक्स है क्या? इन्फोग्राफिक्स एक प्रकार का चित्र है या इमेज है जो किसी पारंपरिक जानकारी का, किसी टॉपिक के लिए या किसी आंकड़ों या डेटा को एक चित्र के रूप में प्रस्तुत करता है और जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। और दूसरा, इन्फोग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन, डेटा या ज्ञान, नॉलेज की के ग्राफिक दृश्य का वर्णन करता है। तो इस इन्फोग्राफिक्स के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक शिक्षक जो है अपने कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझा सकता है, किसी भी संकल्पना को बेहतर तरीके से समझा सकता है। जो भी इसे उपयोग कर रहा है, चाहे तो वो शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, उसे किसी भी विषय में कोई जानकारी चाहिए तो वो उसमें से निकाल सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक पिछले चित्र दिखाया जिसमें जो डेटा था, आंकड़े थे, उसको प्रदर्शन किया गया उसका, उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ इतने प्रतिशत ये है, इतने प्रतिशत ये है। तो कोई भी इसका उपयोग करता है वो किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है इससे। और इसको बनाना बहुत आसान है, अगर ये बन जाए तो उसको आप इस आम जनता तक या अपने विद्यार्थियों तक बहुत जल्द और आसान तरीके से पहुंचा सकते हैं। अभी के समय में आप खुद देखिए, आप चाहे सोशल मीडिया के यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम, जरूर आते होंगे मैसेजेस के थ्रू। अगर आप न्यूज़पेपर भी खोल लें तो न्यूज़पेपर में भी कोई भी शोध का जो आंकड़े जहाँ पर हैं उनको इसी तरीके से प्रस्तुत करके आपने आपके सामने दिखाया जाता है। अब हमारी जो किताबें हैं, किताबों में भी इन्फोग्राफिक्स बनने लगा है, उसमें भी टेक्स्ट कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए एक इसी तरीके का चित्र या हम डिजिटल चार्ट बोले वो प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाएगी। उसके बाद बात करते हैं इसके शैक्षिक उपयोग की। तो अगर हम आम क्लासरूम की बात करें, जब आप कोई भी चार्ट को दिखाकर बच्चों को समझाते थे, उसी तरीके से यह भी एक दृश्य शैक्षिक सामग्री है, बट फर्क ये हो गया हमने इसे ई फॉर्म में, ई सामग्री का नाम दे रहे हैं, मतलब कि हम इसे डिजिटल फॉर्म में बना रहे हैं और हम इसे कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक या बच्चों तक अपनी सारी जानकारी जो होती है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे, किसी भी सब्जेक्ट में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका पहला शैक्षिक उपयोग तो यही है कि यह एक दृश्य ई सामग्री है जिससे हम अपनी जो भी कंसेप्ट या नॉलेज, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको अपने छात्रों तक पहुंचा सके। दूसरा, इसका इस्तेमाल हो सकता है चर्चा के रूप में। जब हम अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं किसी भी लेसन की, किसी भी पार्ट की शुरुआत करते हैं, तो हम उसकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, हम पूछते हैं बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं, तो उस वक्त हम बच्चों से सवाल पूछते हैं। तो बशर्ते हम एक सवाल ऐसे पूछ रहे हैं, हम सिर्फ एक इन्फोग्राफिक उनको दिखाएं, और ये ऑनलाइन कक्षा में भी बहुत ही फायदेमंद होगा। आपने सिर्फ अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू करी तो आप एक इन्फोग्राफिक को दिखाइए और फिर बच्चों से पूछिए इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें इससे आपको क्या जानकारी मिल रही है। वो अपने आप ही जवाब देंगे और उससे पता लगेगा आपको कि वो शुरुआत हो जाएगी चर्चा की आपकी, तो डिस्कशन शुरू हो जाएगा, उससे आप अपने पाठ को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विषय का परिचय देने में, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन हम बोलते हैं जिसे,
तो आप विषय का परिचय शुरुआत कर सकते हैं, परिचय दे सकते हैं, और आखिर में अगेन वही बात कि डेटा और आंकड़ों की प्रस्तुति करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक शैक्षिक उपयोग है। अगर आप किसी बच्चे को गृह कार्य में देना चाहते हैं इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए, तो वो भी दे सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों ने उस पूरी कक्षा के बाद क्या सीखा, वो उसको अपना खुद का एक इन्फोग्राफिक बना के आपको वो सबमिट करेगा, आपको देगा, उससे पता लगेगा उसने कितना सीखा। तो यह भी एक इसका शैक्षिक उपयोग हो सकता है। उसके बाद हम बात करें कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके मैंने जो चार ये प्रकार दिखाए हैं, ये चार ही नहीं, इसके अलावा भी और प्रकार हैं, पर आप अगर देखें तो पहला जो प्रकार है वो है समय रेखा, जिसे हम टाइमलाइन भी बोलते हैं। टाइमलाइन अगर हम बात करें किसी भी विषय में जिसमें कि किस वर्ष में क्या हुआ, ठीक है, जैसे कि इतिहास के विषय में आप दिखाना चाहते हैं कि 1948 में ये हुआ, 1950 में ये हुआ, तो टाइमलाइन एक तरह की सीरीज है या एक रेखा है जिसमें अलग अलग वर्षों को आप लिख कर उसमें उसकी उससे ही संबंधित कोई उसकी चित्र लगाकर बच्चों को बता सकते हैं ये एक टाइमलाइन है, इसमें ये हुआ। तो टाइमलाइन भी ज़रूर नहीं कि इतिहास में ही इस्तेमाल हो, और भी विषयों में इस्तेमाल हो सकती है। तो टाइमलाइन एक प्रकार का इन्फोग्राफिक है। दूसरा है प्रक्रिया। प्रक्रिया हर सब्जेक्ट में, हर एक विषय में कुछ ना कुछ होता है। सपोज मैंने एग्जांपल लिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें जो एक प्रक्रिया है उसमें आप बताएंगे कि किस किस प्रकार। तो यहाँ पे चित्रों के माध्यम से एरो लगा रखे हैं और उसमें छोटा छोटा टेक्स्ट करके लेबल किया हुआ है, उससे पता लग रहा है कि वो क्या प्रोसेस या क्या प्रक्रिया कम्प्लीट हो रही है। तीसरा जो है तुलनात्मक या तुलना इन्फोग्राफिक्स, जिसमें अगेन आप देखें बीच में एक रेखा खींची गई है और दो प्रकार का कंपैरिजन या तुलना की गई है वेस्टर्न कल्चर और एशियन कल्चर के बारे में। तो छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं, दिए गए हैं, और नीचे उसके छोटी छोटी सी जानकारी लिख दी गई है। तो देखते ही इसे पता लग जाएगा कि क्या 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 पॉइंट्स हैं या क्या क्या बिंदु हैं जिसके आधार पर हम तुलना कर रहे हैं एक की दूसरे से। तो वो तुलनात्मक इन्फोग्राफिक्स भी बन सकता है। अगर चौथा देखें तो भौगोलिक प्रकार। भौगोलिक का मान जैसे कि किसी देश की, किसी राज्य की, किसी अगर विश्व में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कोई अगर हम आंकड़े प्रस्तुत करने हैं तो हम किसी जो हमारा मैप होता है, मैप के अलग अलग हिस्से, सपोज देश के अलग अलग राज्य हैं, या अगर हम देखें अगर कोरोना के लिए कई वेबसाइट बनी हुई हैं इस वक्त, और वहाँ पे दिखाते हैं किस राज्य में कितने प्रतिशत लोग संक्रमित हैं इन चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे क्या है, उसको वो उस ग्राफ को, उस मैप के वो हिस्से लगा दिए जाएं और उसके बाद उसमें दिखाया जाए, दर्शाया जाए कि क्या स्थिति है हमारे देश में। तो भौगोलिक, हमारे भूगोल से संबंधित जो भी अलग अलग देश, राज्य, विश्व के जो मानचित्र हैं उनको लेकर आप उसमें अपना डेटा या आंकड़े डाल सकते हैं और उसका एक इन्फोग्राफिक बना सकते हैं। तो ये चार मुख्य प्रकार के इन्फोग्राफिक्स हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा और भी इन्फोग्राफिक्स के प्रकार होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इन्फोग्राफिक्स के जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। इन्फोग्राफिक्स जो है उसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो ऑनलाइन टूल्स के बारे में मैंने जो दिखाई हैं 5 ऑनलाइन टूल्स ही हैं। तो आपको ये डाउनलोड नहीं करना पहली बात। तो अगर आप किसी भी ब्राउज़र पे जाके, गूगल पे जाकर आप सिर्फ टाइप करेंगे कैनवा, इजीली, पिक्टो चार्ट, वेनेज, विजुअलाइज मी, ये सब ऑनलाइन टूल्स हैं। आप सिर्फ गूगल पे जाके टाइप करेंगे और उसके बाद उसको हम बनाना शुरू कर देंगे। तो इन्हीं इन्फोग्राफिक्स टूल की मदद, हम सबको नहीं बताएंगे, आज हम केवल एक ही टूल की बात करेंगे जो कि है इजीली। इजीली की स्पेलिंग आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग जब इसे टाइप करते हैं तो EASELY लिख देते हैं, क्योंकि ईजिली मतलब उसका शब्द का मतलब कुछ और होता है, पर हमें ध्यान रखना है LLY है वो। तो वेबसाइट में भी EASEL.LY आता है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा बोल्ड किया हुआ है। अब बात करते हैं ईजिली क्या है। ये एक वेब आधारित इन्फोग्राफिक प्लेटफॉर्म है जिससे उपयोगकर्ता अपनी परियोजनाओं, विचारों या प्रक्रिया, अवधारणों और रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। इसके लिए कोई भी डिज़ाइन का अनुभव होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत शिक्षक ये सोचते हैं हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हम कोई चित्रकारी नहीं कर सकते। जब हम चार्ट बनाने की सोचते थे कई शिक्षक, तो हम सोचते हमारे नहीं है हमारी ड्राइंग अच्छी, तो हम कैसे चित्र बनाएंगे, क्या हम चार्ट बनाएंगे। तो ऐसा डिज़ाइन अनुभव होने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बने बनाए खाके मिलेंगे या टेम्पलेट मिलेंगे, आपको सिर्फ उसमें कुछ क्लिक्स और ड्रैग ड्रॉप और कुछ टाइप करके, सिर्फ आपको अपलोड करके कुछ फ़ोटोज़ आपको एक इन्फोग्राफिक क्रिएट करना है। तो इसके लिए कोई अनुभव की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मुझे कलर स्कीम नहीं पता, मुझे नहीं पता एक रंग साथ में दोनों अच्छे लगेंगे कि नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बने बनाए आपको खाके मिलेंगे, उसमें सिर्फ आपको एडिट करना है, उसी में ही खेलना है और अच्छे से बनाकर वो बच्चों के सामने प्रेजेंट कर देना है।
दूसरी बात, ये एक फ्री ऑनलाइन टूल है। फ्री का मतलब इसमें आप सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन करके आप इन्फोग्राफिक बनाना शुरू कर देंगे। तो इसके सारे फीचर्स फ्री नहीं हैं, कुछ कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं वो थोड़ी सी कुछ भुगतान देने की आवश्यकता होती है उसमें, पर अगर कोई टीचर वो भी शिक्षक वो भी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बट फ्री में ही आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं सिर्फ इतने इन्फोग्राफिक बना दूंगा, इतने इन्फोग्राफिक डाउनलोड कर सकता हूँ, बाकी नहीं होंगे, ऐसा नहीं। आप जितने मर्जी इन्फोग्राफिक्स बनाइए और उसको डाउनलोड करके और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आगे दिखाऊंगी, इसका प्रदर्शन करूंगी इस टूल का। उसके बाद लास्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, ज़रूरी बात है, ये केवल इंटरनेट से ही चलेगा। ध्यान रखिए ये ऑनलाइन टूल है, तो ऑनलाइन टूल का ही मतलब ये है इसके लिए इंटरनेट के कनेक्शन की होना आवश्यक है। ये नहीं कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब ये टूल काम नहीं करेगा। तो आज हम इजीली का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं आपको, प्रेजेंट करते हैं। उससे पहले ही कुछ स्लाइड्स दिखा देती हूँ ताकि आपको अगर वो फॉन्ट ना या बड़ा साइज ना दिखे टूल के वक्त, तो आप उससे पहले से थोड़ा सा अवगत हो जाएं कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें पाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आपको, जैसे अभी दिखाया इजीली, तो अगर आप देखें तो ये वो हमारी वेबसाइट का नाम है। आप सिर्फ इजीली टाइप भी करेंगे गूगल पे तब भी निकल जाएगा वो, easl.ly ये वेबसाइट है, और वो खुलने के बाद आपको ऐसी दिखेगी। उसके बाद सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप होता है, पहला जो अकाउंट कैसे बनाएं, अकाउंट या खाता आपको खोलना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे खोलना है। जब अकाउंट और खाता खुल जाता है उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड मिलता है। डैशबोर्ड का मतलब है आपकी अपनी जगह एक किसी भी अकाउंट से जुड़ी हुई, जिसमें वो आप ही उसमें काम कर सकते हैं। तो वो आपका अपना पर्सनल डैशबोर्ड होगा। उसका मतलब है कि आप कोई भी जब इन्फोग्राफिक बना लेते हैं वो उसमें सेव हो जाता है, उसमें रहेगा हमेशा जब तक आपका वो अकाउंट रहेगा। तो डैशबोर्ड आपकी एक पर्सनल स्पेस या आपका एक वर्क एरिया है, जगह है जहाँ पे आप अपने सारे इन्फोग्राफिक्स को सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको सैम्पल टेम्पलेट्स मिलेंगी, खाकों के नमूने मिलेंगे बहुत सारे। आप देखिए अभी कुछ दिख रहे हैं इसमें स्क्रीनशॉट में, आप इसमें से अपनी पसंद का रंग के हिसाब से, अपने टॉपिक या अपने टाइप के हिसाब से कौन से प्रकार का आपको इन्फोग्राफिक बनाना है वो आप चुन सकते हैं और उसके बाद उस पर काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जब हम कोई भी टेम्पलेट या खाका चुन लेते हैं उसके बाद इसका टूल बार आता है। जैसे कि कंप्यूटर में किसी भी चीज़ के लिए ऊपर टूल बार होता है, उसी से ये आप सब करते हैं। तो ये सारे अलग अलग टूल बार्स हैं, आप जो देखेंगे काली वाली पट्टी में ऊपर भी एक टूल बार है। इन सब की चीज़ें मैं आपको बताऊँगी किस किस तरीके से ये काम करते हैं। उसके बाद ये भी एक फीचर है, एक क्वालिटी है या विशेषता है कि आपको जो भी इन्फोग्राफिक बनाना है उसका साइज़ आप फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने ये इन्फोग्राफिक कंप्यूटर में बना लिया और मुझे चाहिए कि मैं इसका प्रिंट निकाल के अपनी क्लास में लगा दूं, या जब स्कूल खुलेंगे तब कक्षा में लगा दूं प्रिंट आउट निकाल के, या बच्चों को वर्कशीट की तरीके से मैं दे दूं, वो भी पॉसिबिलिटी है। उसमें आप इसको साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें A4 साइज़, लीगल, एग्जीक्यूटिव, या अपना साइज़ कस्टम भी कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से आप चार्ट को साइज़ देके उसके बाद उसे शुरू कर सकते हैं कितना बड़ा आपको प्रिंट निकालना है। उसके बाद है उसकी चूजिंग द टाइप और कैटेगरी, कौन से टाइप की टेम्पलेट आपको चाहिए, आप चुनेंगे कैटेगरी में से और उसके बाद उसे बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद इसमें छोटे छोटी वस्तुएं होती हैं, ऑब्जेक्ट्स। अगर आप देखें यहाँ ऊपर छोटे छोटे से यहाँ पे, जैसे ये मेल और फीमेल खड़े हैं, ये खाली महिला की फ़ोटो है या पुरुष की फ़ोटो है, इनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब छोटे छोटे चित्र जो इसमें ऑलरेडी हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आइडिया के हिसाब से। उसके बाद मीडिया की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे बहुत सारी फ़ोटोज़ ऑलरेडी मिलती हैं, इसमें फ़ोटोज़ कुछ अपलोडेड हैं। इसमें हम यूट्यूब की वीडियो का लिंक भी डाल सकते हैं और उस वीडियो को चला भी सकते हैं जब हम अपनी क्लास ले रहे होंगे। इसमें अगर आपको आप संतुष्ट नहीं है कि इसकी फ़ोटोज़ में जो ऑलरेडी इसमें डली हुई हैं, तो आप अपनी चित्र जो आपने खुद के फोटोग्राफ्स या कुछ इमेजेस क्लिक करी हुई हैं कैमरा के थ्रू या नेट से डाउनलोड करी हुई हैं, वो आप अपलोड करके भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें यूट्यूब लिंक की। जैसे मैंने कहा आप यूट्यूब की वीडियो को चला सकते हैं, तो यूट्यूब की वीडियो कैसे डालेंगे वो सिखाऊंगी मैं। उसके बाद अगर आपको कोई रेखा खींचनी है तो आप रेखाएँ अलग अलग प्रकार की बना सकते हैं, कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, एरो लाइंस, वो हम बना सकते हैं। इसमें अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है कुछ, वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर चार्ट्स
या पिक्टोग्राम्स ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। जब ये सब कुछ हम कर लेते हैं उसके बाद हम इसको शेयर करते हैं अपने ब्लॉग पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपने वेबसाइट पे, और आखिर में हम इसको डाउनलोड करके इसकी कॉपी को अपने पास रख सकते हैं कंप्यूटर में, ताकि हम इसका आगे भी इस्तेमाल कर सकें। मैम, आपने अभी बताया कि लाइन डाल सकते हैं और टेक्स्ट डाल सकते हैं, और साथ ही आपने कहा कि पिक्टोग्राम डाल सकते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि पिक्टोग्राम क्या होता है? पिक्टोग्राम अभी मैं पहले बता चुकी हूँ कि जैसे आप कोई भी, आपके पास कोई आंकड़ा होता है अगर, तो वो आंकड़े जो हैं उसको आप पिक्चर के छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से अगर आप समझाना चाहें कि आपने जैसे 50% है मेरे पास, तो मेरे पास टॉपिक है कुछ फूलों के ऊपर मैंने कोई शोध किया, तो अगर आप उसे सिर्फ ये ना लिख के पैराग्राफ में 50% फूल जो हैं वो नीले रंग के या वो काले रंग के हैं, नहीं, बट आप क्या करेंगे, फूलों का ही चित्र लेंगे, उसमें से आधे 50% फूलों को अलग रंग दे देंगे, आधे 50% फूलों को अलग रंग दे देंगे, तो देखते ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि 50% ये बात है और 50% का ये मतलब है। तो वो छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से बड़ा अच्छा लगेगा और अट्रैक्टिव लगता है, तो पिक्टोग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है? हाँ, मैं अभी करके दिखाती हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, लाइव हम अपने टूल पे चलते हैं और उसी में मैं आपको सब करके दिखाती हूँ किस प्रकार हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक ब्राउज़र खोला हुआ है, गूगल क्रोम, गूगल ब्राउज़र खोला है, और उसमें हमने टाइप किया हुआ है ईजीली। तो जब आप टाइप करेंगे तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी, तो आपको लिंक दिखाया, उसके बाद जब आप इसे खोलेंगे तो आप आएंगे इस वाले पेज पे। तो अगर आप इस वाले पेज पे देख रहे हैं तो सबसे पहले ये आपसे पूछता है क्रिएट योर फ्री अकाउंट। अगर आपने इसमें अकाउंट नहीं बनाया कभी, तो सबसे पहले आप अकाउंट बनाएंगे फ्री में, तो आप इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कई ऑप्शंस आते हैं, जिसमें कि या तो आप अपने खुद ईमेल आईडी या पासवर्ड बनाकर करें, पर हम हमेशा ये बोलते हैं कि सब लोगों का, क्योंकि जीमेल अकाउंट बना हुआ है या फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, तो उससे साइन करना इजी होता है साइन अप। तो अगर आपका गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट बना है तो आप साइन अप करें जीमेल अकाउंट से। अब अगर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, तो क्योंकि मैंने एक और मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मेरा ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी वो लॉगिन किया हुआ है, तो मैंने इसमें अपना ईमेल आईडी को क्लिक किया। अगर मैं पहली बारी में, अगर मैंने ईमेल आईडी लॉगिन नहीं करा हुआ होता, तो वो मुझसे पासवर्ड मांगता मेरे ईमेल आईडी का। तो डरने की ज़रूरत नहीं कि पासवर्ड किसी और के पास जाएगा, नहीं, वो सिर्फ आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड एक बारी मांगता है और फिर लॉगिन हो गया, फिर उसको पता रहेगा कि हमने लॉगिन कर लिया अकाउंट, जीमेल, इस वाले जीमेल अकाउंट के साथ लिंक हो गया। अब देखिए, ये आ गया हमारा वेबसाइट, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे कि आपका अकाउंट का डिटेल जो आ गया, जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है वो नाम आएगा, आपका अकाउंट दिखेगा। आप अगर देखें तो ये जो पूरा एरिया जिसमें लिखा है माय विजुअल्स, और ये पूरा जो इन्फोग्राफिक बने हुए हैं, ये है हमारा डैशबोर्ड। जैसे मैंने कहा था, डैशबोर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका सारा पहला किया हुआ काम हमेशा सेव रहता है। तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप किसी भी कंप्यूटर में जब भी अपने ईमेल आईडी के साथ इस वेबसाइट को खोलेंगे, तो ये आपको काम मिलेगा उसमें हमेशा, जब तक आप इसे डिलीट नहीं करते हैं। तो आपको ये सारे इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे यहाँ पर पहले के बनाए हुए। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से कि इन्फोग्राफिक्स कैसे बनाएं, तो अगर मैंने ये पहले नहीं बनाए होते तो मेरा ये डैशबोर्ड खाली होता, पर क्योंकि मेरे पहले बने हुए हैं तो आप लोगों को दिख रहे हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं एक ब्लैंक टेम्पलेट से, ब्लैंक टेम्पलेट जिसमें आपको कोरा कागज़ मिलेगा, समझिए कुछ नहीं होगा, कोई डिज़ाइन नहीं होगा, तो उसमें कोई रंग वंग नहीं। आपको सोचना पड़ेगा भी आप क्या करें, अभी आपका ब्लैंक टेम्पलेट खुल गया है जिसमें वेलकम टू ईजिली लिखा है, तो एक खाली कागज़ है आपका। इसको शुरुआत करने के लिए इससे तरीका अच्छा है, आप सबसे पहले टेम्पलेट चुने, मतलब आपको एक बेस खाका मिल जाए जिससे आपको सोच ना लगानी पड़े ज़्यादा कि आप किस तरीके से कंपैरिजन वाला बनाएंगे, तुलनात्मक बनाएंगे, प्रक्रिया वाला बनाएंगे, या आप कोई आंकड़ों से संबंधित कुछ बनाना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले टेम्पलेट में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इसमें अलग अलग टाइप की कैटेगरी आ रही हैं, जैसे अगर आपको टाइमलाइन बनाना है, प्रोसेस बनाना है, कंपैरिजन बनाना है, फूड, हेल्थ, सोशल मीडिया, अलग अलग टाइप की कैटेगरी, तो आप उसके हिसाब से चुनेंगे कि आपको क्या बनाना है। तो अगर आपने सपोज़ हेल्थ का चुना, तो आप देखेंगे आपको इस वक्त 4 इसमें खाके मौजूद हैं, और ये हर जगह पूछेगा ज़रूर GoPro या अपग्रेड। इसका मतलब ये है कि ये, अगर आप ज़्यादा और टेम्पलेट चाहते हैं तो ये आपसे जानना चाह रहा है, अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए तो आप क्या अपग्रेड करने को तैयार हैं। अपग्रेड की जहाँ बात आती है वहाँ पर ये इनकी डिमांड होती है कि आप कुछ भुगतान करना चाहेंगे, कुछ पैसे देना चाहेंगे, मतलब कि पेड चीज़ें हैं।
तो आप उसको ना करें। अगर कोई पेड करना चाहता है, कोई और शिक्षक ज़्यादा ऑप्शंस चाहता है, तो उस केस में इसकी जो फीस है, मतलब मंथली वो अमाउंट है, वो बहुत ही कम है वैसे। बट अभी फ्री में ही इसमें ऑलरेडी इतने ऑप्शंस हैं कि आपको पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देखेंगे, सपोज़ मैंने ये एक खाके को चुना, तो सिर्फ मुझे क्लिक करना है और ये आपको सामने आ जाएगा। मैंने एक ये खाका चुना जिसमें मेडिकेशन फैक्ट्स के बारे में एक बेसिक सी खाका बना हुआ है। ये एक इन्फोग्राफिक बना हुआ है, और अगर आप देखें इसमें, अगर मेडिकल से रिलेटेड है तो एक डॉक्टर की फ़ोटो लगा रखी है, और कुछ दवाइयों के पीछे डब्बियाँ दिख रही हैं, स्टेटोस्कोप दिख रहा है आपको, दवाइयाँ दिख रही हैं, और इसमें नीचे आप देखेंगे कुछ आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने डेटा भी दे रखा है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको इसको अपने आंकड़ों के हिसाब से कुछ चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं सीधा सीधा आप। बट अगर आपको अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा बदलाव लाने हैं, इसे एजुकेशन या उसके हिसाब से बनाना है, अपने किसी टॉपिक के हिसाब से, आप क्या करेंगे, आप अगर इसको क्लिक करिए, अलग अलग जगह पे क्लिक करें। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये जो मेडिकेशन फैक्ट लिखा है, इसमें छोटी सी आपको बारीक सी एक नीले रंग की लाइन अगर दिख पा रही हो, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया, और कर्सर आने का मतलब है मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। आप इसको हटा सकते हैं, इसको अपना कोई भी आप टाइटल डालना चाहते हैं, सपोज़ कुछ भी डाल दिया, ABCD, तो आपने देखा एडिट हो गया। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, आप देखिए फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसे बड़ा करना है, छोटा करना है, आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसका रंग बदल सकते हैं। जैसे कि एक MS वर्ड की फाइल में आप बदलाव करते हैं, बोल्ड करते हैं, टैलिक करते हैं, सेंटर में लाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ये सब आप इसमें कर सकते हैं। तो आप एक, अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, तो मैं देखिए टाइटल जो है इन्फोग्राफिक का वो बदला जा चुका है। तो उसके बाद आप देखें, इस डॉक्टर की अगर मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, तो इसमें कोई बॉक्स नहीं आ रहा, ये एडिट नहीं हो सकती इसका मतलब। तो आप ये देखें, जब भी कोई इन्फोग्राफिक ओपन खोलें, कोई भी खाका खोलें, तो आप ध्यान रखें कि जहाँ पर ये बक्से आ रहे हैं, बॉक्स आ जाता है, वो एडिट हो सकता है। जहाँ पे कोई भी छोटी सी, जैसे कि ये एक टेबलेट दी हुई है और मैंने इसको क्लिक किया, ये बॉक्स आ गया, और अगर मैं डिलीट का बटन दबाऊँ तो ये डिलीट हो गई, मतलब हट गई। अगर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको डिलीट किया, हो गया। तो आप इस पूरे खाके में, टेम्पलेट में, आप अलग अलग जगह क्लिक करके देखिए, जहाँ जहाँ वो क्लिक होकर बक्सा आ जाता है, ब्लू कलर का बॉक्स आ जाता है, इसका मतलब वो एडिट है। तो इस इन्फोग्राफिक में, इस टूल में ये फीचर है कि आपको ये एक बैकग्राउंड, ये एक टेम्पलेट मिल गया है। आपको ये चार रंग, जैसे ऊपर इस इन्फोग्राफिक में नीला रंग है, बीच में ये ऑरेंज कलर्स आ रहे हैं, येलो कलर आ रहा है, नीचे रेड कलर, इसको नहीं आप बदल सकते, ध्यान रखिए, क्योंकि ये बेसिक एक टेम्पलेट है। बट इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है, ये इसके नंबर्स लिखे हैं, छोटी छोटी इमेजेस हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, उसको आप हटा सकते हैं, उसकी जगह कुछ और भी डाल सकते हैं। तो आप इसको अलग अलग तरीके से ऐसे करके देखेंगे, तब आपको पता लगेगा। तो अगर मैं अभी आपको एक बनी हुई थोड़ी टेम्पलेट मैं आपको दिखाती हूँ, हमने उसकी शुरुआत की थी बनाना एक सैम्पल टेम्पलेट, आपको सैम्पल इन्फोग्राफिक्स जो कि बनाया गया है इस सेशन के लिए हिंदी में, क्योंकि हमारा जो सत्र है वो हिंदी में है, तो कोशिश की गई है कि हिंदी में। अब जो हमारे शिक्षक देख रहे हैं, वो ये सोचेंगे हिंदी में कैसे, कई लोगों को शायद नहीं पता हो अभी तक कि हिंदी में हम कैसे लेकर आए हैं। इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, तो कई लोगों को, जिनको हिंदी की टाइपिंग आती है, उनके लिए आसान है। और इसके लिए एक छोटा सा टिप भी, जो कई लोगों को पता हो सकता है, पर मैं दोबारा बताना आपको चाहूँगी कि अगर आपको हिंदी में कोई भी टाइपिंग करनी है, तो आप गूगल इनपुट टूल से कर सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल पे गूगल इनपुट टूल लिखना है, और आप उसको जब क्लिक करेंगे और आप इसको ट्राई करेंगे, यहाँ पर जाकर आप यहाँ पे भाषा का चयन करेंगे, जो कि आपको भाषा में, जिस भी भाषा में आपको टाइप करना है, और जैसे कि आपने हिंदी में किया टाइप, और आप कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे आप SMS करते हैं जब मोबाइल से, तो आपने लिखा मैं, ठीक है, मैं ऑफिस में, ऐसे करके, तो आप देखिए ये हिंदी में आ गया। आप इसमें इसको कॉपी करके, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करके, आप अपने वापस टेम्पलेट में जा सकते हैं, और वहाँ पर आप अपने बक्से में यहाँ पे जो है, जिसको एडिट कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V से। तो आप देखिए ये आपका मैं ऑफिस जो मैंने टाइप किया था, वो यहाँ पर आ गया। तो पहली तो बात कि अगर आपको हिंदी में बनाना है, तो आप हिंदी के लिए गूगल इनपुट की सहायता से आप टाइप कर सकते हैं। एक और तरीका भी हो सकता है हिंदी में टाइपिंग करने का, आसान तरीका, जिसमें आपको कीबोर्ड पे टाइप ही ना करना पड़े, वो हो सकता है कि आप बोल लें, कोई बात बोल रहे हैं हिंदी में और वो रिकॉर्ड हो, तो वो भी मदद ली जा सकती है
जीमेल के साथ आप सबको अगर पता हो गूगल ड्राइव एक ऑप्शन होती है, उस गूगल ड्राइव में एक अगर आप न्यू पे जाएंगे और आप एक गूगल डॉक पे जाएंगे तो आप देखेंगे गूगल डॉक ऐसे खुलता है एक ब्लैंक पेज की तरह, और इसमें आप टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉइस टाइपिंग भी होती है। तो अगर आप वॉइस टाइपिंग में आएंगे तो यहाँ पे भाषा का चयन करिए, अगेन आप देखेंगे भाषा का चयन करके आपको हिंदी भाषा में आएंगे, तो जिस भी भाषा में आएंगे और जो जो आप बोलेंगे वो उस हिसाब से लिखा जाएगा, लिखा अपने आप टाइप होता रहेगा। तो हिंदी लाने का एक आसान तरीका है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप वॉइस टाइपिंग करिए या आप गूगल इनपुट से आप टाइप करके कॉपी करके फिर इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा ये सबसे पहले इसका टाइटल दिया किसी भी इन्फोग्राफिक का, मैं इसका रंग बदल सकती हूँ, मतलब इसमें टेक्स्ट ऐड हो सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, सेकंड वाला टूल। पहले तो टेम्पलेट सेलेक्ट हुई हमारी, हमने अपनी थीम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया। दूसरा हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, अगर मुझे लग रहा है इसमें से कोई महिला की फ़ोटो चाहिए, मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं इसे क्लिक करूँगी और ये महिला की फ़ोटो देखिए यहाँ पर आ गई है, आप देखिए आ चुकी है। अगर मुझे इसको छोटा और बड़ा करना है तो इसको जैसे हम छोटा बड़ा करते हैं साइड में कर्सर ले जाके एरो की आ जाती है, और इसको हम अलग अलग जगह पे ले जा सकते हैं, जहाँ पे मुझे इसे रखना है मैं रख सकती हूँ। अगर मुझे इसकी कॉपी बनानी है तो जैसे हम राइट क्लिक करके कंप्यूटर में कॉपी और पेस्ट पर करते हैं, उसी तरीके से कॉपी करिए और उसके बाद उसे पेस्ट करिए, इसकी दो कॉपी बन गई। तो आप कितनी भी कॉपीज़ बना सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये टूल ऑनलाइन चल रहा है तो इंटरनेट का कनेक्शन ज़रूरी है, अगर इंटरनेट चला गया तो ये काम बीच में रुक जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा, फिर आप सोचेंगे क्या हुआ, पर गड़बड़ नहीं होती है, वो इंटरनेट चला गया होगा इसलिए ऐसा हो सकता है। तो आपको अगर इंटरनेट चला जाता है किसी का इंफोग्राफिक्स बनाते बनाते तो क्या वो फाइल ऑटो सेव होगी? यस, ये बहुत ज़रूरी है, फाइल ऑटो सेव होती है, पर पहले बारी में सब कहते हैं हम लोग सेव का ज़रूर क्लिक करिए, तो ऊपर आप देखिए यहाँ सेव बटन होगा ऊपर, आप यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी फाइल को एक नाम भी दे सकते हैं, सपोज मैंने कोविड नाम दे दिया, सॉरी यहाँ पे कोर्स में एक अपना नाम कोर्स आ रहे होते हैं, पर आप फाइल का नाम दीजिए और यहाँ पे सेव क्लिक करिए। एक पहली बारी में सेव करने के बाद फिर ये ऑटो सेव होता रहेगा। मतलब किसी की फाइल खोगी नहीं अगर किसी का इंटरनेट चला भी है तो। बिल्कुल, और ये आपके डैशबोर्ड में जाएगी। अभी सपोज मैंने यहाँ पर हूँ, मेरा इंटरनेट चला गया, दोबारा मैंने लॉगिन किया और मैं अपने डैशबोर्ड में आऊँगी यहाँ पर, तो आप देखिए मेरी ये फाइल जो है वो यहीं पर ही है, जो मैंने इसको नाम अभी दिया है कोविड, और ये यहाँ पर आ गई है जी। तो ये सेव रहेगी, जब भी आप इसे हटाना चाहें आप हटा सकते हैं, इसकी कॉपी बनाना चाहें कॉपी बना सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर तीन फाइल सेव है अभी तक, मैं कहूँ तो मैंने इस्तेमाल किया है 10 से 15 तक भी किया है, पर मुझे इसका कहीं कोई लिमिटेशन नहीं लगी अभी तक कि नहीं है कि इसमें लिमिटेशन, इतनी लिमिटेड ही आप डाउनलोड करेंगे, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो तो वो एक लिमिटेशन कर दे पेड वाली अकाउंट की, बट अभी तक मैंने जितना इस्तेमाल किया उसमें कभी नहीं आया। मतलब फ्री सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करें तो उसमें कोई लिमिट ऐसे अभी नहीं है। उसके बाद इसमें फोल्डर्स बनाने के, उसके लिए वो पेड अकाउंट हो जाता है फिर, अगर आप फोल्डर बना के मैनेज करना चाहते हैं, नहीं तो डैशबोर्ड पे बिखरी हुई रहेंगी इस तरीके से। उसके बाद हम दूसरी बात पे थे, हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, देखिए महिला की पिक्चर लगाकर। तीसरा हम आते हैं मीडिया पे, मीडिया में तीन प्रकार के मीडिया को हम देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो है अनस्प्लैश फोटो, इसमें भी आप देखेंगे कैटेगरीज हैं बहुत अलग अलग, तो अगर सब मुझे किसी भी कैटेगरी सपोज कार की कोई फ़ोटो चाहिए तो जो जो अब मुझे इसमें अपलोडेड होंगी ये हमें वेबसाइट से ही मिली है, अगर इनमें से कोई चित्र मुझे या फ़ोटो पसंद नहीं है तो मैं इसको नहीं लूँगी, अगर लेनी है तो अगेन मुझे एक सिर्फ एक क्लिक करना है और ये जो चित्र है ये मेरे इस इन्फोग्राफिक पे आ जाएगा। अगर मैं इसे बंद करूँ, आप देखिए मैंने कार सेलेक्ट की थी और ये कार यहाँ पर आ गई, इसको मैं अगेन दोबारा से ऐसे छोटा कर सकती हूँ और जहाँ मुझे चाहिए वहाँ मैं ले जा सकती हूँ। दूसरा मीडिया में आता है मीडिया टाइप यूट्यूब, यूट्यूब वीडियो के लिंक हम इसमें डाल सकते हैं, अगर हम कोई वीडियो प्ले करनी है तो मैंने अभी एक वीडियो का लिंक ऑलरेडी अलग रख निकाला हुआ है, तो मैं उसी को पेस्ट करके दिखा रही हूँ आपको। जैसे ही मैंने लिंक को पेस्ट किया यूट्यूब की वीडियो का, ये प्रोसेस होगा, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, उसके बाद ये वीडियो आपको दिखेगी यहाँ पर, ये आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे इसको बंद करेंगे
तो ये जो वीडियो है ये यहाँ पर आ गई है, और आप देखेंगे छोटा सा प्ले का बटन यहाँ पर है। इस वीडियो का साइज भी मैं छोटा बड़ा कर सकती हूँ, उसका मतलब है कि अगर मुझे अपने इन्फोग्राफिक पे बड़ी लग रही है वीडियो और मुझे बच्चों को प्ले करके दिखानी है, जगह कम है, तो मैंने इसको छोटा सा कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, और उसके बाद मैं इसे प्ले करूँगी। इसमें अभी ऑडियो नहीं है, नहीं तो इसमें ऑडियो शुरू होएगा और अगेन इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से वो आपको वीडियो चलती हुई नज़र आ जाएगी। तो ये इसका इंटरैक्टिविटी या अच्छा रहेगा कि ऑनलाइन कक्षा में आप बता रहे हैं तो आपको वीडियो भी एक जगह आ गई, चित्र भी आ गए बहुत सारे, टेक्स्ट भी आ गए, तो इन्फोग्राफिक अगेन ये पूरा समाहित कर रहा है सारे इन्फॉर्मेशन को। मैम अगर आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो हो और उसे आपको इस इन्फोग्राफिक के अंदर इस्तेमाल करना हो तो बिल्कुल वीडियो भी अपलोड हो सकती है। इसी मीडिया में अगर आप जाएंगे तो तीसरी ऑप्शन है अपलोड फाइल्स। अपलोड फाइल में आप फोटो भी कर सकते हो और वीडियो भी, पर ध्यान रहे वीडियो छोटी हो तो अच्छा है क्योंकि बहुत समय लेगा वीडियो अपलोडिंग के लिए। तो या तो अगर वो YouTube पे ऑलरेडी वीडियो है कोई तो उसको ले आएंगे तो बेटर रहेगा, लिंक से वो जल्दी आ जाएगी। नहीं तो अपलोडिंग में आप क्या करेंगे, अपलोड के लिए आप चित्र, जैसे मैंने ये इन्फोग्राफिक बनाया था तो चित्र मैंने पहले से ही अपलोड कर रहे हूँ, और देखिए उससे पहले के चित्र भी मेरे पास अपलोडेड हैं। इससे पता लग रहा है कि वो चित्र आपकी गैलरी में रहते हैं, जो अपलोडेड इमेजेस हैं वो आपकी गैलरी में ही हैं, यहीं पे सेव हैं आपके अकाउंट में। ये नहीं कि आपको हर बार ही अपलोड करने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ मुझे अपलोड करना है, इसमें जाएंगे आप, चूज़ फाइल करेंगे, फिर ये आपसे पूछेगा किस जगह करना है, कौन से करनी है आपको। तो आपने जैसे कि एक चित्र को मैं या इमेज को अपलोड करके दिखा रही हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, जब ये अपलोड हो गई शेक हैंड का अपलोड किया आपने, इसको चुना, बस क्लिक किया, ये आ गई यहाँ पर। क्लिक करते ही आपके इन्फोग्राफिक के अंदर आ जाती है, आप इसे वैसे तरीके से कहीं भी ले जाएं और उसको सेट कर लें, साइज़ छोटा बड़ा कर लें। एक चीज़ और कुछ लोग पूछते हैं, उससे पूछे हैं कोई सवाल है किसी को, मैं बता भी देती हूँ कुछ इसमें तो सीधी सीधी चकोर या रेक्टेंगल ये सब इमेजेस आ रही हैं, पर सपोज मुझे मेरे कोई ऐसा इन्फोग्राफिक का टेम्पलेट है या खाका है जिसमें गोल मुझे चाहिए, फ़ोटो गोल सर्कल बना हुआ है उसके अंदर आपको अपनी फ़ोटो सेट करनी है, तो वो नहीं हो पाएगा, उसको आपको अलग से क्रॉप करके अलग से ही आप जब इसमें अपलोड करें तो उसी तरीके से इसे लेकर आए इसके अंदर, नहीं तो वो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। मतलब चकोर है तो चकोर ही रहने वाले, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रहेगा, सर्कल नहीं होगा, इतना एडिट नहीं होगा इसके अंदर वो। ओके तो ये हमारी इमेज हो गई, वीडियो हो गई, देखिए वीडियो अभी तक चल रही है, इसको बंद करते हैं हम। तो उसके बाद हम करते हैं मीडिया की बात हुई, अब आखिर में आते हैं नेक्स्ट आते हैं बैकग्राउंड। अभी देखिए हमारा ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्टेड है, पर अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। आप देखिए नीचे पूरा, अगर आप ध्यान दें नीचे कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अगर देखिए कंपैरिजन वाला करना होता है तो दो बीच में रेखा है और दो कंपैरिजन वाला, अगर मुझे कलर चेंज करना है इस हिसाब से हो सकता है। तो आप आगे देखेंगे आपको कुछ मिलेंगे बैकग्राउंड कलर चेंज ऑप्शन भी, बस अगेन वही लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितने भी हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैम ये लिमिटेड इसलिए है क्योंकि ये फ्री वर्जन। हाँ जी बिल्कुल, ये फ्री वर्जन है इसलिए लिमिटेड। तो क्या इसमें और ज़्यादा ये हाँ बहुत बहुत हज़ारों की संख्या में इसमें बहुत ऑप्शंस हैं। मैंने कहा अगर किसी शिक्षक को इस्तेमाल भी करना है तो मैंने जो इनका प्राइसिंग देखा है वो $3 या $4 पर मंथ है शायद, शायद मतलब $3 या $4 में से एक है। हमारे दर्शकों को या छात्रों को ये सलाह देंगी कि वो पेड वर्जन इस्तेमाल करें या फिर फ्री वर्जन? नहीं, फ्री वर्जन का इस्तेमाल करें मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो पेड करें, फ्री में ही इतने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं, इतने सारे आप देखिए। अभी तो मैंने सिर्फ एक एक कैटेगरी सेलेक्ट की है, अगर आप सारी कैटेगरी देखेंगे आपको इसमें भी more than 1000 आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि पेड करें, आप फ्री में इस्तेमाल करिए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बैकग्राउंड का हो गया, अगली बात करते हैं हम लाइन की। हमारा इन्फोग्राफिक थोड़ा ज़्यादा भर गया इसलिए मैं नीचे प्लेन वाले में जा रही हूँ। ये एक फीचर मैं बता भी देती हूँ, आपके एक इन्फोग्राफिक में एक पेज आता है ये पूरा, ये वाला यहाँ तक, अगर आपको दूसरा चाहिए तो यहाँ पे ऐड पेज का ऑप्शन होता है। मतलब एक तरीके से आप इसमें मैगजीन भी बना सकते हैं कोई छोटा सा, जैसे ऐड न्यू पेज, आपका नया तीसरा पेज हो गया। तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही पेज का बनेगा, अगर आपको मल्टीपल पेजेस चाहिए तो मल्टीपल पेजेस ऐड होते रहेंगे। तो आप देखिए इस वक्त 3 पेज बन गए हैं, तो इसमें छोटे छोटे कोई हैंड आउट, कोई न्यूज़ लेटर या छोटी सी कोई कुछ पन्नों की आपको मैगजीन, जैसे बच्चों को कुछ एक्टिविटी या प्रोजेक्ट देना हो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो अब हम थोड़ा प्लेन की तरफ जाके इसमें बताते हैं, नीचे यहाँ पर लाइन पे आते हैं। अगर हमें कोई रेखा खींचनी है तो आप फिर क्या करेंगे, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर आप
आपने इसको रेखा को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आए, रेखा खिंच गई है। तो अगर आपको कहीं लेबलिंग करनी है तो आप उसी तरीके से वो लाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसको सेट करेंगे। अगर इसका भी कलर चेंज हो सकता है, इसका मोटाई लंबाई सब ये चेंज हो सकता है, ठीक है। इसको भी कॉपी पेस्ट करके आप मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना है, तो टाइटल लिखना है तो टाइटल, हेडर, बॉडी, बुलेट्स में लिखना है, नंबर्स में लेना है, तो अगर मैं बुलेट में कर रही हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। जैसे कि आपको अगर नहीं दिया हुआ कोई टेक्स्ट बॉक्स और आप खाली खाका लेके बैठे हैं और आपको शुरू करना है टाइपिंग, तो आप सीधा टेक्स्ट में जाके ऐसे लाकर टेक्स्ट बॉक्स और टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ट्स की। चार्ट्स का मतलब जब आंकड़ों की बात आती है, जहाँ पे आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी है, तो बार ग्राफ, कॉलम चार्ट और ये लाइन चार्ट्स एंड रडार, ये चार प्रकार के ही आप ग्राफ इसमें बना सकते हैं फ्री अकाउंट में। तो अगर मैंने सपोज़ ये बार वाला चुना तो आप देखेंगे एक बार ग्राफ आ गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, अभी आपको लगेगा इसमें दो प्रकार के डेटा हैं, देखिए जैसे जनवरी का गाढ़े नीले रंग का, हल्के नीले रंग का सिर्फ। बट अगर मैं इसमें यहाँ पे एडिट में जाऊँ तो ये आपसे पूछ सकता है कि आपको कोई अपना डेटा इम्पोर्ट करना है, मतलब कोई आपकी एक्सेल की फाइल है और उसमें डेटा डला हुआ है तो आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं वहाँ से, मतलब इस इन्फोग्राफिक के अंदर सीधा लाएंगे, वो अपने आप ही ग्राफ बन के आ जाएगा। अगर इन्हीं दो में से ही आपको कुछ इसके नंबर बदलने हैं तो आप यहाँ पर जाके नंबर बदल सकते हैं, 370 की जगह कुछ और करना है तो आप वो कर सकते हैं, 56 करना है तब की ग्राफ की वैल्यू बदल सकती है। अगर आपको ग्राफ बढ़ाना है, मतलब अभी सिर्फ दो बार है मेरे पास, अगर मैं ज़्यादा बढ़ाना चाहती हूँ, मैं रो को ऐड कर सकती हूँ, काले रंग का आ गया एक रो। अगर मुझे कुछ रिमूव करनी है, रिमूव करना है, कॉलम को ऐड कर सकती हूँ, ज़्यादा डेटा है और ज़्यादा कॉलम और रो चाहिए वो है, तो बिल्कुल रंग भी बदल सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, आपको पसंद नहीं है काला रंग, हम पीला रखना चाहते हैं, आप नीले का गुलाबी रखना चाहते हैं, आपको एक कलर बन जाएगा और इसको अपडेट करेंगे, आपके रंग भी बदल गए हैं, पीला भी आ गया। अभी मैंने डेटा नहीं डाला था पीले में, इसलिए डेटा नहीं आया, तो आपका देखिए गाढ़े नीले कलर का गुलाबी रंग का हो गया। तो आप जो भी आपका आंकड़ा है उसको भी आप इन चार प्रकार के जो चार्ट्स हैं या ग्राफ आपको बनाने हैं, आप सीधा बस डालिए, एडिट करिए, और आसान तरीका है कि अपना डेटा खुद लेकर आइए इसके अंदर, और उसके बाद उसमें आपके अच्छा कलरफुल ग्राफ बन जाएगा। तो जो भी हमारे शोध करता है, या शोध तो हर कोई, हर शिक्षक भी करता है, विद्यार्थी भी करता है, और अगर हम खुद अपने, अगर हम स्टूडेंट भी हैं और उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जब भी हम कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो इन्फोग्राफिक्स में आप अपना पोस्टर बना सकते हैं, पूरे अपनी शोध की जानकारी दे दें कि आपने क्या टॉपिक था आपका, आपने क्या रिजल्ट्स निकाले, आपके क्या डेटा के अकॉर्डिंग आपके क्या फाइंडिंग्स, सब कुछ ही आ जाएगा इन्फोग्राफिक। तो आप कहते हैं ना, कहीं आप किसी सेमिनार या सम्मेलन में सब जाते हैं तो पोस्टर प्रेजेंटेशंस भी होती है वहाँ पर, तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि पोस्टर बना के इसी के थ्रू आप उसको प्रेजेंट करिए। ठीक है, तो मैं अभी फाइनल अपलोड हम सीख चुके हैं, पिक्टोग्राम पे आती हूँ, जो आपने सवाल पूछा था। आप देखिए पिक्टोग्राम यहाँ पे जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दिया हुआ है, तो अगर आपको ये पसंद है तो आप अगर यही चुने सपोज फूड में, आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल आया है, मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये दो तरह के एग्जाम्पल, मोबाइल जैसे कोई फोटो जैसे चित्र आए हैं, और ये 50% का डेटा आप देखिए यहाँ पे ऊपर डेटा दिख रहा है। अगर मुझे इसको बढ़ाना है, सपोज मुझे एक ही लाइन में करना है रो, तो मैं एक यहाँ पे एडिट, सॉरी एक तरह एक ही लाइन में लाना है तो मैं एक में ही कॉलम और ये बढ़ा सकती हूँ। सपोज मुझे दिखाना है कि 25 में से 50% जो हैं मोबाइल फोन्स काले हैं और पीले हैं एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज करी रो की और कॉलम की। अगर मुझे रंग चेंज करना है तो मैं अगेन यहाँ पे भी रंग की ऑप्शन है चेंज कर सकती हूँ। और उसके बाद मुझे दिखाना है 75%, तो मैं यहाँ ऊपर देखेंगे आप वैल्यू चेंज कर सकती हूँ 67%, तो वो अपने आप उतने ही कलर ले लेगा। तो क्या हो गया, ये पिक्टोग्राम से डिपिक्ट हो गया है, दिख गया कि मेरे इतने प्रतिशत जो है इस चीज़ के लिए पिंक है और गुलाबी है, और इतने प्रतिशत ये है। तो पिक्टोग्राम एक तरीके का डाटा रिप्रेजेंटेशन ही है जो और अट्रैक्टिव बना देता है आपके इन्फोग्राफिक को। और लास्ट में एनिमेशन पे, अगेन टाइम कम है, एनिमेशन छोटे छोटे से एनिमेशन से यहाँ पे आप देखिए हिलती हुई इमेजेस हैं, ये थोड़ा सा हिल रहा है अगर आप ध्यान दें तो आप इसको भी क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए अगर छोटा सा एनिमेशन डालना है, इसकी भी बहुत कैटेगरी है, आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब इस प्रकार से आप पूरा जब ये बना लें,
उसके बाद मैंने आपको कहा देखिए सेविंग अपने आप हो रहा है, सेव्ड हो गया, मैंने सेव को क्लिक नहीं किया और सेव हो गया है वो, तो ऑटो सेव हो रहा है वो। अभी तक ये प्राइवेट है, अगर आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं तो इसे पब्लिक पे भी पब्लिक कर सकते हैं, पर वो पेड है, ठीक है। अब आपको जब बच्चों को दिखाना है तो आप क्या करेंगे, अब आपके डैशबोर्ड में सेव हो गया, अब आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने के ऑप्शंस आएंगे, या तो इसको ईमेल के द्वारा, या इसका लिंक को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप इसे फेसबुक या ट्विटर के द्वारा शेयर कर सकते हैं। उसमें ये लिंक जो है वो अपने आप चला जाएगा और कोई भी इंसान इसके इन्फोग्राफिक को आपको देख सकता है। उसके बाद आप इसकी कॉपी बना के रखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड पे चार ऑप्शंस हैं, हमारा क्योंकि फ्री अकाउंट है तो हमें लो क्वालिटी मिलेगा। लो क्वालिटी का मतलब आप ये मत सोचिए कि वो बहुत ही पिक्सेलेटेड या बिखरा हुआ छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे गंदे तरीके से, ऐसा नहीं होगा। लो क्वालिटी का भी बहुत अच्छा डाउनलोड निकलता है, तो मैंने डाउनलोड का ऑप्शन किया लो क्वालिटी, बाकी तीनों पेड हैं। तो ये जनरेट करके ये एक इमेज फाइल में आपके पास सेव हो जाएगा। अभी देखिए अब जो भी मैंने किया है वो सेव होता है, आपको दिखेगा, अभी ओपन हो रहा है और यहाँ पे सेव हो गया है, और अभी दिख जाए तो अच्छा है, जितनी देर में आ रहा है वो, प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग रहा है तब तक। तो कोई ये देखिए आप तीन पेज आपने बनाए थे जो भी, वो आपके पास पूरे जीप इमेज फॉर्म की तरह डाउनलोड होके सेव हो गए, तो आपके कंप्यूटर में सेव हो गया है ये। नहीं, जो अवेलेबल है वही हो सकता है, क्रिएट नहीं कर सकते। ओके बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना इंफोग्राफिक्स के बारे में हमें बताया और इजीली के बारे में बताया, लेकिन इसके बाद भी जो पांच और भी हैं इनसे जुड़े हुए अलग अलग हो सकता है, उम्मीद करते हैं अगली बार बिल्कुल हमें वो उसकी भी जानकारी दे। तो बहुत सारे सवाल दर्शकों ने हमसे पूछे और जो मैंने आपसे पूछे, तो उम्मीद करती हूँ सभी को तसल्ली हो गई होगी और सभी जवाब उन्हें मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके पास और भी कोई सवाल है और आपको लगता है कि और पूछने चाहिए तो आप हमें भेज सकते हैं cieet.kishormanch@gmail.com पर। धन्यवाद आपका भी और आपका भी ना, थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिएगा, कहीं मत जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में हम एक और खास कार्यक्रम लेकर वापस आने वाले हैं, सहयोग जिस मेंटल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन के लिए, और इसका टॉपिक होने वाला है वैल्यू फॉर लाइफ थ्रू क्लासरूम प्रोसेस। सो ये देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, और अगर आपने कोई सेशंस मिस कर दिए हैं, पुराने सेशंस आप देखना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं किशोर मंच का ऐप। नमस्कार।